topic is post machine. A post machine, denoted PM, is a collection of five things. First thing is alphabet sigma of input letters plus the special symbol hash. Sigma is the collection of symbols which are used to create strings. Sigma में बहुत सारे symbols हो सकते हैं, उनको use करते हुए हम strings बनाते हैं और उन strings को फिर post machine पे check करते हैं कि वो valid हैं या नहीं. And the special symbol hash. Special symbol hash is used at the end of the string. कोई भी string अगर हम post machine में test करने के लिए लेते हैं तो उस string के end पे हम hash को लगाते हैं. और हम इसे क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि स्ट्रिंग एंड हो चुकी है. पोस्ट मशीन में जो इनपुट टेप यूज होती है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इनपुट टेप ही है. इनपुट टेप जो पोस्ट मशीन में यूज होती है वो राइट हैंड साइड से इनफिनिट होती है उसकी लेंथ. हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कहाँ जाके ख़त्म हो रही है और कहाँ नहीं, इसलिए हम स्पेशल सिंबल हैश को यूज करते हैं स्ट्रिंग के एंड पे, ताकि हमें पता चल सके कि स्ट्रिंग एंड हो गई है और बाकी जो सेल्स हैं इनपुट टेप के वो खाली हैं. सेकंड थिंग इज अ लीनियर स्टोरेज लोकेशन कॉल द स्टोर और क्यू. पोस्ट मशीन क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करती है विच इनिशियली कंटेन्स द इनपुट स्ट्रिंग. ये एक क्यू है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है. पोस्ट मशीन की खास बात यह है कि इसके अंदर स्ट्रिंग जो है, जो हमने टेस्ट करनी है पोस्ट मशीन पे, वो हम एज्यूम करते हैं कि वो पहले से ही इनपुट टेप यानी क्यू के अंदर पड़ी हुई होगी. हमें कोई सिंबल्स या स्टेट्स वगैरह यूज करके उनको खुद नहीं रखवाना पड़ेगा क्यू के अंदर. वो पहले से ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्यू के अंदर पड़ी हुई है, हमें नहीं रखवानी पड़ेगी. जबकि अगर आपने ट्यूरिंग मशीन और पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा है तो उसमें हमें खुद रखवानी पड़ती थी स्ट्रिंग इनपुट टेप के अंदर. सो पोस्ट मशीन की यह खास बात है कि उसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो क्यू में हम एज्यूम करते हैं कि पहले से पड़ी हुई है. दिस लोकेशन कैन बी रीड बाय लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर. द स्टोर कैन आल्सो बी एडिड टू, व्हिच मींस अ न्यू कैरेक्टर कैन बी कंकैटिनेटेड ऑनटू द राइट ऑफ व्हाटएवर इज देयर ऑलरेडी. द क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो कि क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो सबसे पहले सिंबल जो है एंटर हुआ था क्यू के अंदर वही सबसे पहले बाहर जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो क्यू में लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो है, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर वो सबसे पहले रीड होता है. यहाँ पे ए जो है वो सबसे पहले आया था, इसलिए अगर हम रीड करते हैं क्यू में से कुछ तो सबसे पहले क्या रीड होगा, करेक्टर ए सबसे पहले रीड होगा. और अगर हम कुछ नया ऐड करवाएंगे तो वो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे राइट साइड पे. नेक्स्ट थिंग इज रीड स्टेट विच रिमूव्स द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर फ्रॉम द स्टोर एंड ब्रांच अकॉर्डिंगली. द ओनली ब्रांचिंग इन द मशीन टेक्स प्लेस एट द रीड स्टेट. सो जब रीड स्टेट एग्जीक्यूट होती है तो वो क्यू में पड़े हुए सबसे लेफ्ट वाले कैरेक्टर को रीड करती है. यानी कि अगर हम यहाँ पे रीड स्टेट एग्जीक्यूट करते हैं तो लेफ्ट पे सबसे क्या पड़ा हुआ है, ए. तो रीड स्टेट किसको रीड करेगी, ए को. पोस्ट मशीन में सिर्फ रीड स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल है, जहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो अलाउड है. ब्रांचिंग का क्या मतलब है, यानी कि एक स्टेट से एक से ज्यादा ट्रांजिशन का निकलना, इसे कहते हैं ब्रांचिंग. सो रीड स्टेट में अगर हम इस सिग्मा की एग्जांपल लेते हैं, सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ ए की एक ट्रांजिशन निकले, सिर्फ ए की ट्रांजिशन, या सिर्फ बी की ट्रांजिशन हो, या हो सकता है ए और बी दोनों की ट्रांजिशन हो एक ही रीड स्टेट से. ये भी पॉसिबिलिटी क्या कि ए और बी दोनों की ट्रांजिशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ना तो ए है और ना ही बी है तो हम क्या लेके आगे जाएं, कुछ ना कुछ लेके हमें आगे जाना पड़ेगा. क्योंकि अगर रीड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकल रही, कोई भी एरो ना निकल रहा हो, तो
पोस्ट मशीन क्रैश हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ए भी नहीं लेना, बी भी नहीं लेना और आगे भी जाना है कुछ ना कुछ लेके, तो हम क्या करें? तो सोल्यूशन ये है कि हम लैम्डा लेके आगे जाएं, लैम्डा की ट्रांजिशन यानी कि नल ट्रांजिशन लेके हम आगे जाएंगे। पोस्ट मशीन की एक खास बात यह है कि ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? यानी अगर ये सिग्मा है, यहाँ पे ए और बी है, तो हम रीड स्टेट से ए के लिए सिर्फ ए की ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ये है ए के लिए, एक और हम ए के लिए ट्रांजिशन निकाल दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो पोस्ट मशीन गलत हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट मशीन जो है डिटर्मिनिस्टिक होती है। सो ए के लिए भी ए की ट्रांजिशन निकलेगी, बी के लिए भी ए की ट्रांजिशन निकलेगी। नेक्स्ट थिंग इज एड स्टेट। एड स्टेट क्या करती है? विच कंकेटिनेट अ करेक्टर ऑन टू द राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एड स्टेट एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के लिए, अगर वो स्ट्रिंग क्यू में पड़ी हुई है, तो वो एड स्टेट जो है उसकी राइट साइड पे जाएगी। राइट साइड पे उसे जो खाली सेल मिलेगा जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है, वहां पे वो जाके वो सिंबल रखवा देगी जो भी हमने ऐड करवाया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ऐड स्टेट को एग्जीक्यूट करते हैं ऐड ए, तो ये क्यू में कहाँ जाके ए को रखवाएगी? यहाँ पे सर्च करेगी, करती जाएगी, राइट मोस्ट साइड पे जाएगी। राइट मोस्ट साइड पे जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है, वहां पे ये इस ए को रखवा देगी। इसी तरह से अगर हम ऐड हैश को एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी राइट साइड पे जाएगी। राइट साइड पे जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है, उससे अगले सेल में इस हैश को रखवा देगी। इसी तरह सिग्मा का कोई भी सिंबल है, हम उसके लिए ऐड स्टेट को यूज कर सकते हैं। चाहे तो ए को ऐड करवा लो, चाहे बी को करवा लो, चाहे वो स्पेशल सिंबल हैश को ऐड करवा लो। ऐड स्टेट की एक खास बात यह है कि इस पे हम ब्रांचिंग नहीं कर सकते। ब्रांचिंग का मैंने आपको पहले बताया है, एट अ टाइम हम ऐड स्टेट एक सिंबल के लिए एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यानी एट अ टाइम हम ये नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पे हम ए भी ऐड करवा रहे हैं, हैश भी ऐड करवा रहे हैं और बी भी ऐड करवा रहे हैं। ये तीन ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐड स्टेट से हमेशा एक ही ट्रांजिशन निकलेगी, सिर्फ एक ट्रांजिशन ऐड स्टेट से निकलेगी और एट अ टाइम एक ही सिंबल को ऐड स्टेट जो है वो क्यू में ऐड करवाएगी। नेक्स्ट इज स्टार्ट स्टेट। पोस्ट मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें हमेशा स्टार्ट स्टेट यूज करनी पड़ती है। एक्सेप्ट स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होती हुई एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग वैलिड है। और अगर स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होते हुए रिजेक्ट स्टेट तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग इनवैलिड है। हम अपनी पोस्ट मशीन जो है वो रिजेक्ट स्टेट के बगैर भी बना सकते हैं। चाहे तो हम एक भी रिजेक्ट स्टेट ना ऐड करें अपनी पोस्ट मशीन के अंदर, और चाहे तो कई रिजेक्ट स्टेट यूज कर लें। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी पोस्ट मशीन के बारे में कि पोस्ट मशीन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं और इन सिंबल्स की वर्किंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।